हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। इस सेशन में हम देखेंगे हाउ टू कवर लाइफ साइंसेस सिलेबस, जो कि बहुत वास्ट है। सो अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, टफ एंड इजी यूनिट्स यू हैव टू कीप देम साइड बाय साइड, या आपको उन्हें साइड बाय साइड प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आपने अभी तैयारी शुरू करी है तो कुछ यूनिट्स हो सकती है कि आपको टफ लगती हो, जो कि आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं होंगी। सो कोशिश करें कि उन दोनों ही यूनिट्स को साथ में लेके चलें, सो दैट आपके ऊपर एकदम लोड ना पड़े, या फिर अगर आप इजी यूनिट्स ले रहे हैं तो आपको एकदम से इजी ना लगे। टफ एंड इजी यूनिट्स आपको साइड बाय साइड कवर करनी है। देन कैलकुलेशन बेस्ड यूनिट एंड थ्योरेटिकल यूनिट भी आपको साइड बाय साइड करनी है। कैलकुलेशन बेस्ड यूनिट में मैं मोर ओवर आपका जेनेटिक्स रखती हूँ, बायोकेमिस्ट्री रखती हूँ एंड मेथड्स इन बायोलॉजी रखती हूँ। इन यूनिट्स के साथ आप थ्योरेटिकल यूनिट्स जैसे कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी, फंडामेंटल्स, फिजियोलॉजी, इनको आप साइड बाय साइड कवर कर सकते हैं। आपको काफी हेल्प मिलेगी ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होगा। सेकेंड देखते हैं पी वाई क्यूज फ्रॉम द स्टार्टिंग। बहुत बार हम सोचते हैं कि टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फिर पी वाई क्यूज करेंगे, सो डू नॉट टेक दैट अप्रोच। अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हो, उसका पी वाई क्यू देखने के लिए आपने क्वेश्चन पेपर ओपन किया और आपको कोई दूसरा क्वेश्चन भी दिख गया कोई और यूनिट का, सो ट्राई टू रीड दैट क्वेश्चन, ताकि आप जब भी उस टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की क्या थीम थी, किस तरह पूछा गया है, वहां से काफी सारी इनसाइट्स लेके आप उस टॉपिक को तैयार कर सकेंगे। सो पीवाईक्यू से घबराना नहीं है, पीवाईक्यूज को हमेशा सॉल्व करने की अप्रोच से नहीं लेना है, पीवाईक्यूज को इस तरह भी लेना है कि पीवाईक्यू से हमें ये पता चलेगा कि सीएसआईआर क्वेश्चन बेसिकली कैसे पूछते हैं। सिमिलर टॉपिक्स बैक टू बैक कवर करना चाहिए, जैसे कि अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसकी टेक्निक आपको 13th यूनिट में मिल रही है, तो ऐसा नहीं कि दोनों को बिल्कुल अलग रखा जाए कि नहीं हम मेथड्स बिल्कुल ऑल टुगेदर अलग पढ़ेंगे और इस यूनिट को ऑल टुगेदर अलग पढ़ेंगे। नहीं, जैसे कि आप सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं तो सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड एक टेक्निक होती है, दैट इज फ्रैप, तो वो आपको साइड बाय साइड पढ़ लेना चाहिए ताकि आप उसके जो एनालिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो सी सेक्शन में आते हैं वो आप दोनों के कॉन्सेप्ट को मिला के बहुत ईजिली कवर कर सकेंगे। सो कोशिश करें कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक साथ में पढ़ें, एकदम से अलग टॉपिक लेकर पढ़ना वो ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगा। आप कोई भी यूनिट को बहुत सेपरेट लेकर ना चलें कि पहले ये यूनिट कवर करेंगे, नहीं, उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ और कहीं पे मिल रहा है तो आप वो भी साइड बाय साइड कवर करिए, इट इज गोइंग टू गिव मोर स्ट्रेंथ टू दैट टॉपिक। और रिविजन इज अ मस्ट, जैसे कि सिलेबस इतना वास्ट है तो विदाउट रिविजन इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। आपको रिविजन तो करना ही है, भले आप फर्स्ट डे है प्रिपरेशन का या लास्ट डे है, अगर आपने फर्स्ट डे भी एक टॉपिक पढ़ा है तो बाय द एंड ऑफ द डे यू हैव टू रिवाइज इट, तभी आपका रिटेंशन हो पाएगा और तभी आपने जो इतना टाइम इन्वेस्ट किया है उसका आपको आउटकम मिल पाएगा। तो रिविजन की पावर को बिल्कुल भी ओवरलुक ना करें, रिविजन बहुत जरूरी है। CSIR का इतना जो वास्ट सिलेबस है उसमें से कुछ पोर्शन, जैसे कि 20% पोर्शन में से एक अक्सर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ऑलमोस्ट ऐसा ही है जो सालों से अनटच रहा है। सो हम भी उस टॉपिक्स को इतना ज्यादा एम्फेसाइज करके नहीं पढ़ेंगे, जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को हम ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे, रादर देन वर्ड टू वर्ड चलने के कि सिलेबस में इसके बाद ये है तो यही पढ़ना है। डू नॉट टेक दैट अप्रोच। बहुत बार स्टूडेंट्स ये करते हैं कि सिलेबस में एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक जो लिखा होता है एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत सारे टॉपिक्स नहीं पूछे जाते हैं। सो हम भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे। यस, उसका एक बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए, अदरवाइज इफ द क्वेश्चन इज नॉट आस्क्ड इन द पास्ट 10 इयर्स देन वी कैन टेक दैट पर्टिकुलर टॉपिक लाइटली। सो कुछ टॉपिक्स जो रेयरली आस्क्ड हैं उन्हें हम बहुत टाइम नहीं देंगे, कोशिश करेंगे उन टॉपिक्स को ज्यादा एम्फेसाइज करने की जो कि सीएसआईआर में अक्सर पूछे जाते हैं। सो आई होप आपकी प्रिपरेशन में ये सारी चीजें हेल्पफुल रहेगी और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन बेटर तरीके से कर सकेंगे। थैंक यू।